आज की वीडियो में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम के कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है फिर सीआरएम की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे ऑपरेशनल सीआरएम एनालिटिकल सीआरएम एंड कोलेबोरेटिव सीआरएम इसके बाद फिर सीआरएम के डिफरेंट ऑब्जेक्टिवस को स्टडी करेंगे और सीआरएम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले देखते हैं कि वर्ड कस्टमर की क्या मीनिंग है कस्टमर इज एन एंटिटी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु बाइज समथिंग और एक्वायर सर्विसेज कि कस्टमर वो एंटिटी होता है जो किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है या किसी सर्विस को एक्वायर करता है अब कस्टमर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है मतलब कोई इंडिविजुअल भी किसी कंपनी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है या उससे कोई सर्विस एक्वायर करता है इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन भी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकती है या किसी सर्विस को एक्वायर कर सकती है तो वो एंटिटी जो किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करती है या किसी सर्विस को एक्वायर करती है उसे हम कस्टमर कहते हैं और कस्टमर्स के साथ रिलेशंस को मैनेज करना इसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को बना के रखना और नए कस्टमर्स को तलाश करना और उनके साथ रिलेशन को एस्टैब्लिश करना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ सिस्टम टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसे सिस्टम का नाम है जिसके थ्रू एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अस्टैब्लिश किया जाता है अब कंपनी के दो तरह के कस्टमर्स हो सकते हैं एक तो कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो उसी कंपनी से बार बार प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं ये कंपनी के साथ लॉयल है और इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी उन कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को बना के रखे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को अस्टैब्लिश करे क्योंकि अगर कंपनी के पास कस्टमर्स बार बार आ रहे हैं तो इससे कंपनी को प्रॉफिट मिलता है रेवेन्यू मिलती है कंपनी की प्रोडक्ट सेल होती है और अगर कंपनी के पास कस्टमर्स नहीं आ रहे तो कंपनी को क्या करना पड़ता है कि उसको नए कस्टमर्स को तलाश करना पड़ता है जो कस्टमर्स उसके पोटेंशियल हो सकते हैं कंपनी उनके साथ रिलेशनशिप को अस्टैब्लिश करती है ताकि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं ना वो फ्यूचर में कंपनी के कस्टमर्स बन सके अब जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ना ये एक सिस्टम का नाम है और इस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं फॉर एग्जाम्पल सी का एक सॉफ्टवेयर होता है इसके अलावा सीआरएम की स्ट्रैटीज़ होती हैं पॉलिसीज़ होती हैं प्रैक्टिस होती हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स को यूज़ किया जाता है इसके अलावा कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सिस्टम का नाम है अब जो कस्टमर्स हैं ना ये किसी भी कंपनी की बैकबोन होते हैं अगर किसी कंपनी के पास कस्टमर्स नहीं हैं तो वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कोई कस्टमर्स हों जिनको वो प्रोडक्ट सेल की जा सके और जब वो प्रोडक्ट सेल होगी तभी कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा या कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा अगर कंपनी की प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कस्टमर्स ही नहीं हैं तो वो कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है जिनको खरीदने के लिए या जिनको परचेज करने के लिए कस्टमर्स ही ना हो तो इसीलिए आज के दौर में कंपनीज क्या करती हैं कि अपने कस्टमर्स के साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं ताकि कस्टमर्स उसकी प्रोडक्ट्स के साथ लॉयल हो जाएँ उस कंपनी के साथ लॉयल हों वो बार बार उसी कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करें अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है कि ये कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करता है और इसको इंप्रूव करता है ओवर द टाइम और इससे आपको कस्टमर रिटेंशन भी मिलती है कस्टमर रिटेंशन का मतलब यह है कि एक कस्टमर आपके पास आया उसने कंपनी की प्रोडक्ट वो परचेज किया या कोई कंपनी की सर्विस एक्वायर की जब वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है और उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई होता है तो वो बार बार उसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को परचेज करता है इसे कहते हैं कस्टमर रिटेंशन स्ट्रीमलाइन लाइन प्रोसेस सेल्स ग्रोथ इंक्रीज प्रॉफिट जब कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है और लॉयल कस्टमर्स बना लेती है तो क्या होता है कि उसकी सेल्स की ग्रोथ होती है उसकी सेल्स इंक्रीज होती है और जब सेल्स इंक्रीज होती है तो उससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है तो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के दो प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं एक है कस्टमर रिटेंशन और दूसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है ना तो उसी से आपको कस्टमर रिटेंशन भी अचीव होती है फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल सीआरएम सेकेंड वन इज एनालिटिकल सीआरएम एंड थर्ड वन इज कोलेबोरेटिव सीआरएम फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल सीआरएम ऑपरेशनल सीआरएम इज डिजाइन टू इंप्रूव रूटीन बिजनेस ऑपरेशन

सेकेंड वन इज मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड थर्ड वन इज सर्विस ऑटोमेशन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है ना ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर वो ये होता है कि कस्टमर के साथ जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है कंपनी के उनको रिकॉर्ड किया जाता है और कस्टमर के डेटा को स्टोर किया जाता है अब कस्टमर का डेटा किस तरह का हो सकता है उसमें किसी भी कस्टमर का नाम होता है उसका जेंडर हो सकता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है उसकी ई मेल हो सकती है अब कंपनी के पास ये कस्टमर्स का डेटा कहां से आता है सबसे पहले जो इसका तरीका ना वो ये है कि जब कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है ना उस सेल के दौरान वो कस्टमर से उसका डेटा ले लेती है कस्टमर का नाम पूछ लेते हैं उसका कांटेक्ट नंबर ले, ले लेते हैं या उसकी ई मेल ले लेते हैं इसके अलावा मार्केटिंग के दौरान जब मार्केटिंग की जाती है तो उस दौरान भी कस्टमर्स का डेटा ले लिया जाता है या जब कस्टमर को कॉल की जाती है तो कॉल के दौरान भी आप कस्टमर का डेटा ले सकते हैं उसकी ई मेल उसका नेम उसका मेलिंग एड्रेस लिया जा सकता है इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर्स uh, की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उसके थ्रू कस्टमर्स का डेटा लिया जा सकता है तो जब कंपनी के पास कस्टमर्स का डेटा आ जाता है तो फिर कंपनीज क्या करती हैं कि उन कस्टमर्स को प्रमोशनल मैसेजेस भेजती हैं कंपनीज मार्केटिंग करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की और जब मार्केटिंग के अगेंस्ट कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो यहाँ पे आपकी मार्केटिंग जो होती है ना वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो आपके पास सेल्स का डेटा आ जाता है किसी कस्टमर का जब आपके पास सेल्स का डेटा आ जाता है ना तो आपको पता चल जाता है कि कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट परचेज की और जब कस्टमर ने एक प्रोडक्ट परचेज की ना तो आप उसको सिमिलर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भेज सकते हैं फॉर एग्जाम्पल उसने परफ्यूम परचेज किया तो आप उसको डिफरेंट अदर कॉस्मेटिक्स की प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकते हैं इसके अलावा सी आर एम के अंदर सर्विसेज को भी ऑटोमेट किया जाता है कि अगर कस्टमर को कोई कंपनी से सर्विस चाहिए आफ्टर सेल सर्विस चाहिए या कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज चाहिए या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए तो वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है अब जो कॉन्टेक्ट सेंटर्स होते हैं कॉल सेंटर्स होते हैं या जो सर्विस सेंटर्स होते हैं कंपनी के या जो डेटा एग्रीगेशन सिस्टम होता है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेशनल सी आर एम की सेकेंड टाइप ऑफ सी आर एम इज एनालिटिकल सी आर एम एनालिटिकल सी आर एम बिहाइंड दिन काम करता है फ्रंट एंड पे ऑपरेशनल सी आर एम काम करता है जबकि बैक एंड के ऊपर एनालिटिकल सी आर एम काम करता है एनालिटिकल सी आर एम क्या करता है कि ये कस्टमर के डेटा का क्रिटिकल एनालिसिस करता है एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करता है और उसके बाद रिजल्ट को जनरेट करता है फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर के डेटा का एनालिसिस करने के बाद कस्टमर के बिहेवियर को प्रोडिक्ट करता है कस्टमर के बिहेवियर का एनालिसिस करता है उसकी प्रेफरेंसेस को जांचता है ये सारा काम होता है एनालिटिकल सीआरएम के अंदर एनालिटिकल सीआरएम के अंदर कस्टमर का तीन तरह का डेटा होता है सेल्स डेटा होता है फाइनेंशियल डेटा होता है और मार्केटिंग डेटा होता है अब सेल्स डेटा के अंदर कस्टमर की ब्रांड प्रेफरेंसिस होती हैं कि कस्टमर ने किस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को चूज किया कस्टमर ने किस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को परचेज किया या कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज किया और कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसकी प्रोडक्ट्स को कम परचेज किया इसके अलावा कस्टमर की परचेज हिस्ट्री होती है परचेज हिस्ट्री के अंदर होता है कि कस्टमर ने कब कब कौन सी प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया और कितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया इसके बाद फिर वारंटी क्लेम्स होते हैं वारंटी क्लेम्स के अंदर ये होता है कि अगर कस्टमर ने एक प्रोडक्ट परचेज़ की है और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट था और कस्टमर ने उस प्रोडक्ट का वारंटी क्लेम करवाया तो ये भी कस्टमर के सेल्स डेटा के अंदर होता है इसके बाद होता है फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल डेटा के अंदर कस्टमर का पेमेंट मेथड होता है कि कस्टमर ने पेमेंट कैसे की उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू की ऑनलाइन ट्रांसफर की है या उसने कैश पेमेंट की इसके अलावा कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री होती है कि कब कब कितनी कितनी कस्टमर ने पेमेंट की है मार्केटिंग डेटा में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन का डेटा होता है कि कस्टमर का रिस्पांस कैसा था अगेंस्ट मार्केटिंग कंपेन्स अब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ प्रमोशनल मैसेजेस भेजते हैं और वो उसके अगेंस्ट फॉरन से प्रोडक्ट्स को परचेज कर लेते हैं जबकि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको आप बार बार मैसेजेस भेजते हैं लेकिन वो उसके बावजूद भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते जबकि कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे और वो बार बार सिमिलर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और वो बार बार आप ही की कंपनी से सर्विसेज लेते हैं या वो आप ही की कंपनी से प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो ये होता है कस्टमर का रिटेंशन डेटा जब ये कस्टमर का तीनों तरह का डाटा आ जाता है सेल्स डेटा फाइनेंशियल डाटा मार्केटिंग डेटा तो एनालिटिकल सीआरएम बेसिकली इन इस डेटा का क्रिटिकल एनालिसिस करता है और इसके बाद वो फिर रिजल्ट्स को जनरेट करता है जिसके अगेंस्ट कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को पॉलिसीज को या प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करती हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हासिल हो सके और कस्टमर रिटेंशन मिल सके जो नेक्स्ट सी की टाइप है ना वो है कोलाबोरेटिव सी आर एम सी को स्ट्रैटेजिक सी का भी नाम लेते हैं अब कोलेबोरेटिव सी क्या करता है कि जो आपके पास डेटा आ जाता है आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है ना उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर करते हैं अब एक कंपनी है ना उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उसके अंदर सेल्स है प्रोडक्शन है मार्केटिंग है एच है फाइनेंस है तो जब आपके पास कस्टमर्स का डाटा आता है या कस्टमर्स की फीडबैक आती है तो आप उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आप कोलाबोरेट करते हैं इसीलिए इसे कहते हैं कोलाबोरेटिव सी जो कोलेबोरेटिव सी आर होता है ना इसके दो कम्पोनेट्स होते हैं एक को कहते हैं इंटरेक्शन मैनेजमेंट और दूसरे को कहते हैं चैनल मैनेजमेंट अब इंटरेक्शन मैनेजमेंट जैसे कि अपने नाम से ऑबियस है ना यहाँ पे जो कस्टमर के साथ आपके इंटरेक्शन होता है ना उसको रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है आप कस्टमर के जो भी इश्यूज आते हैं ना आप उनको रिकॉर्ड करते हैं फॉर एग्जांपल कस्टमर को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई इशू आया तो इसके अगेंस्ट वो क्या करता है कि वो कंपनी को कॉल करता है वो कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है वो अपने इश्यूज या अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कराता है कंपनी के अंदर जो इंटरेक्शन मैनेजमेंट होता है ना इसको स्मूथ और इजी बनाया जाता है ताकि जो कस्टमर्स की क्यूरीज है ना उनको एड्रेस किया जा सके अब चैनल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप जो कस्टमर होता है ना उसकी प्रेफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं अब कंपनीज़ होती है ना वो मार्केटिंग करती हैं और टारगेटेड कंपेन्स चलाती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए तो चैनल मैनेजमेंट के अंदर आप इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सा कस्टमर जो है ना वो किस तरह की जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना या किस तरह की मार्केटिंग कम्पेन्ज है उनको प्रेफर करता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेक्स्ट मैसेज़ को पसंद करता है या टेलीफोनिक कॉल्स को पसंद करता है या ई के थ्रू वो अट्रैक्ट होता है या सोशल मीडिया कंपेन्स के थ्रू वो अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर आप कस्टमर्स की प्रेफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं अब कोलैबोरेटिव सीआरएम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे आप कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं बिकॉज अगर आप इंटरेक्शन मैनेजमेंट के थ्रू कस्टमर्स की क्वेरीज को टाइमली और इफेक्टिवली हैंडल करते हैं ना तो इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन आती है ब्रांड लोआलिटी आती है जब ब्रांड लोयलिटी आती है ना तो मतलब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बार बार परचेज करता है तो इससे आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है ऑबजेक्टिव ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस कंपनीज क्या करती है कि वो कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करती हैं और अगर कंपनी बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी तभी तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगी तब ही कस्टमर रिटेंशन होगी रीच मोर कस्टमर्स सीआरएम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ भी तो रिलेशनशिप को इस्टलिश करते हैं बिकॉज जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं ना वो फ्यूचर में आपके कस्टमर्स बन सकते हैं कि सी आर एम के थ्रू आप जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उन तक एक्सेस हासिल करते हैं उनको रीच आउट करते हैं ताकि वो आपके कस्टमर्स बन सके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन हासिल होती है और जब कस्टमर सेटिसफाई होते हैं तो उससे आपको कस्टमर रिटेंशन भी मिलती है नेक्स्ट है सेल मोर प्रोडक्ट्स एंड गेट मोर प्रॉफिट जब आपके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स भी बढ़ गई है और जब आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है सिंप्लीफाई मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोसेस अब ऑपरेशनल सीआरएम क्या करता है कि वो बेसिकली डिजिटलाइज करता है उसके अंदर आपकी सेल्स भी ऑटोमेट हो जाती है आपकी मार्केटिंग भी ऑटोमेट हो जाती है और आपकी सर्विसेज भी ऑटोमेट हो जाती हैं तो जब आपकी ये तीनों चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है ना तो इससे आपकी ह्यूमन एफर्ट्स कम हो जाती हैं और आपकी मार्केटिंग और सेल्स के जो प्रोसेस होते हैं ना वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं नेक्स्ट है कि सी के डिफरेंट एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं सबसे पहला ये है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स सी के अंदर चूंकि आपके पास कस्टमर्स का डेटा आ जाता है कस्टमर की ब्रांड प्रेफरेंसेस आ जाती हैं उनकी परचेज हिस्ट्री आ जाती है उनकी पेमेंट्स के मेथड्स का आपको पता चल जाता है आपको कस्टमर की बाइंग पावर का पता चल जाता है आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आपके पास फ्यूचर में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बनाना है ताकि आप कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस कर सकें नेक्स्ट है बिजनेस ग्रोथ आजकल चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है बहुत सारी कंपनी सी को यूज़ करती हैं और वो सी के थ्रू ही अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं क्योंकि सी आर बेसिकली एक ऐसा टूल है एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को रिटेन करते हैं और जब आप कस्टमर्स को इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको रिटेन कर लेते हैं तो इससे आपकी बिज़नेस की ग्रोथ होती है नेक्स्ट है कि सीआरएम के थ्रू आपकी कॉस्ट रिडक्शन होती है यहाँ पे आप टारगेटेड कंपेन्स चलाते हैं आपको कस्टमर के बिहेवियर का पता चल जाता है आपको कस्टमर्स का आइडिया हो जाता है कस्टमर्स के ट्रेंड्स का पता चल जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केटिंग कंपेन्स चलाते हैं तो यहाँ पे आपको अननेसेसरी कंपनी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आप स्पेसिफिकली उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और उन्हीं की जो प्रेफरेंसेज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उनको प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं या मार्केटिंग करते, है करते हैं अपने प्रोडक्ट की और रेलिवेंट प्रोडक्ट्स की ही मार्केटिंग करते हैं नेक्स्ट है कि इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है डेफिनेटली जब आपका बिजनेस ग्रो होता है आपकी प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ती है तो इससे आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है आपके जो वारंटी क्लेम्स होते हैं ना वो कंट्रोल होते हैं अब एनालिटिकल सीआरएम के अंदर हम यही काम करते हैं कि आप बेसिकली कस्टमर्स के जो बिहेवियर है ना उसका एनालिसिस करते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट्स का भी एनालिसिस करते हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेल्स की और कितनी प्रोडक्ट्स आपकी डिफेक्टिव थी कितने वारंटी क्लेम्स आए और कौन कौन से इश्यूज अराइज हुए और कस्टमर की क्या फीडबैक आई उसी फ़ीडबैक को आप इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं नेक्स्ट है सीआरएम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि पहला ये एक एक्सपेंसिव है अब सीआरएम ये एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होता है और इसके लिए आपको हार्डवेयर भी चाहिए होता है और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी चाहिए होता है प्लस सी को यूज़ करने के लिए आप आपको अपने इंप्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दिलवाना पड़ती है फिर चूंकि सी एक नई चीज़ है और ये कन्वेंशनल सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है इसीलिए इम्प्लॉयज़ की तरफ से रेजिस्टेंस भी आती है ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी हम कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो जो इम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस होती है ना वो उसी के साथ स्टिक हो जाते हैं इसलिए वो नई चीज़ को अडॉप्ट नहीं करते और वो रजिस्ट करते हैं इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि थर्ड पार्टी एक्सेस होती है अब जो सी आर एम बनाने वाली कंपनीज हैं या जो सी आर एम को इम्प्लीमेंट करती हैं उसको कंपनी के डेटा तक या कंपनी के सीक्रेट्स तक एक्सेस मिल जाती है तो यहाँ पे कंपनी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो भी लीक आउट हो सकती है अब हम टॉप सी आर एम सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट को देखते हैं जोहो सी आर एम है सेल्स फोर्स सी आर एम है हब स्पॉट सेल्स है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है एस ए पी सेल्स क्लाउड है ऑरिकल सी एक्स है इसके अलावा बहुत सारे सी आर एम के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं